शिवपुरी जिले में आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर 40 दिवसीय जन अस्मिता यात्रा के तहत सिंगरौली पहुंचे। माजन मोड़ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी ने पृथक विंध्य प्रदेश के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, विंध्य प्रदेश नहीं बन पाया। विंध्य प्रदेश बनाए जाने के लिए हम 40 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा कोविड प्रोटोकॉल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि सिंगरौली जिले में विभिन्न कल कारखाने हैं, यहाँ रोजगार के लिए असीम संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति की वजह से यहाँ के निवासी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में मिले राजस्व की वजह से पूरे प्रदेश का एक तिहाई खर्चा चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश जैसे ही बनेगा, इंदौर की तर्ज पर सिंगरौली को आर्थिक राजधानी के रूप में बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरह यहाँ भी पशुपालकों से गोबर खरीदी केंद्र बनाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। यदि सरकार गोबर खरीदी करेगी तो पशुओं की हत्या भी बंद होगी, पशुपालक उनकी सुरक्षा भी करेंगे और दूध पालन से पशुपालकों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा भी सिंगरौली में विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया था। इस पर उन्होंने कहा कि उनमें यदि दम है तो विधानसभा में सवाल उठाएं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए और विधानसभा में धरना दे, तब हम मानेंगे कि वो पूरे मन से विंध्य प्रदेश के लिए मांग कर रही हैं। साथ ही भाजपा कांग्रेस के बारे में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि कांग्रेस तो नेतृत्वहीन है, यदि नेता होते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये सरकार गिरती नहीं। भाजपा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है, जनता को यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि आप विंध्य प्रदेश के पक्ष में हैं या विरोध में। लोगों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा और उनके साथ सदैव धोखा होगा। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं कि मैं लड़ूंगा जब हमारे विंध्य की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक गांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे विंध्य ही नहीं भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा, मध्य प्रदेश की विंध्य सरकार चल रही है, पर हमारे विंध्य प्रदेश की रूपरेखा बन रही है कि अब जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में और राजधानी है, उपराजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है, इसी तरह से जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अकेले सिंगरौली 100 वर्षों तक विंध्य प्रदेश को सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। ऐसे में ये धरती इतनी महत्वपूर्ण धरती विंध्य की, आते हैं लोग जैसे कोई आवारा पशु आता है चर के चला जाता है, इस तरह से आते हैं सिंगरौली में अपना आए और माल टाल लिए वापस गए। इसको लोगों को विश्वास नहीं जमता कि कौन नेता हमारा साथ देगा, इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस राजनीति में। आज मैं आया हूँ और इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूँ कि अगर परीक्षा में जब हम पास हो गए तब आप हमारे साथ चलना, अभी हम परीक्षा की अवधि तक आपको किसी तरह से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं। विंध्य प्रदेश बने और विंध्य प्रदेश में जन जन की भागीदारी हो, जन कल्याण हो, इसी के लिए आज हमारा संस्थान।